बीजेपी ने कर दिया राव इंद्रजीत सिंह के साथ खेल। राव के करीबियों की काट दी टिकट। बीजेपी की लिस्ट में देरी में आ रही है षड्यंत्र की बू। राव और बीजेपी में होगा अब घमासान। राव इंद्रजीत सिंह उठा सकते हैं बड़ा कदम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भूलिए मत। चलिए एक बार फिर से हरियाणा के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं और इस वक्त जो सबसे ज्यादा स्थिति कहीं फंसी हुई है तो वो कांग्रेस और बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर फंसी हुई है। एक तरफ कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, किस नेता के किस समर्थक को टिकट दी जाए, किसकी काट दी जाए, तो कुछ यही स्थिति बीजेपी में भी बनी हुई है और लगातार दोनों पार्टियों में चिंतन मंथन बैठ के चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं काफी नाम फाइनल कर दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि लगातार जो बड़े नेता है, दोनों ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं, अपने करीबी अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए अलग अलग पार्टीज पे यानी अपनी पार्टीज पे प्रेशर डाल रहे हैं। और ये जो दबाव की पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें कौन सा नेता बाजी मारेगा और कौन सा नेता पीछे रह जाएगा, ये तो खैर लिस्टें जब पूरी तरह से जारी हो जाएगी तब तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी पर बात करते हैं। बीजेपी और राव इंद्रजीत सिंह के बीच भी टिकट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। रस्साकसी जो है वो लगातार दोनों तरफ से चल रही है और जो लिस्ट एक या दो दिन पहले आ जानी चाहिए थी वो लगातार अब डिले होती जा रही है। और अब ऐसे में लग रहा है कि शायद आज भी बीजेपी की पहली लिस्ट जारी ना हो। क्या इस सब के पीछे राव इंद्रजीत सिंह और बीजेपी के बीच जो अभी ये पेच फंसा हुआ है ये एक बड़ी वजह है? क्या राव इंद्रजीत सिंह जो अपने करीबियों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं उसको लेकर कहीं क्या कोई खेल हो रहा है बीजेपी की तरफ से? क्या कोई षड्यंत्र रचने की भी तैयारी चल रही है, यानी कि षड्यंत्र के तहत इन उन तमाम करीबियों की टिकट काटने की कोशिश या फिराक में बीजेपी है? राव इंद्रजीत सिंह किस किस के लिए और कहां से टिकट मांग रहे हैं इस पर भी डिटेल बात करेंगे। और आखिरकार ये पेच अब क्यों फंसा हुआ है? क्या बीजेपी राव साहब को मनाने की कोशिश में लगी है या फिर कुछ पीछे से यानी कि पर्दे के पीछे से कोई बड़ा खेल जो है वो यहां पर चल रहा है? और इस खेल में क्या टिकट काटने का षड्यंत्र राव साहब के करीबियों की वो रचा जा रहा है क्या? इस पर एक डिटेल बातचीत यहां पर करेंगे कि आखिरकार ये जो देरी हो रही है खासतौर से, क्योंकि अगर दक्षिण हरियाणा की बात करें बीजेपी के लिए, दक्षिण हरियाणा 2014 और 2019 में कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन का काम करता रहा है। 2014 में जो दक्षिण हरियाणा से सीटें मिली थी उसके बाद 2019 में वो सीटें कम जरूर हुई थी, लेकिन एक बार फिर से 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद है कि दक्षिण से वो अच्छी खासी सीटें लेने में कामयाब रहेगी। लेकिन क्या राव इंद्रजीत सिंह के बगैर ये संभव होगा, ये भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह की जो जीत का मार्जिन था वो पहले के मुकाबले काफी घटा था। क्या बीजेपी के मन में अब ये बात आने लगी है कि राव साहब का रुतबा जो अहीरवाल है यानी कि जो दक्षिण है जहां राव साहब का प्रभाव सबसे ज्यादा हमेशा से रहा है वो क्या कुछ कम हुआ है? और उसी सोच के साथ क्या बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह के साथ टिकट बंटवारे को नेगोशिएट करने में लगी हुई है? और सबसे बड़ी बात, बीजेपी और राव में फंस गया है पेच टिकट बंटवारे को लेकर। तो ये जो पेच फंसा है ये पेच आखिरकार कैसे निकलेगा? क्या जो अब देरी लगातार हो रही है, जो पैनल में नाम शामिल कर दिए गए थे, जो कि लगभग लगभग सामने आ गई थी तस्वीर की, राव साहब के जो करीबी है उनकी टिकटें फाइनल है, लेकिन अब इस तरह की भी खबरें आ रही है कि वहां पर अब दूसरे जो नेता हैं, दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनके नाम भी शामिल कर लिए गए, यानी कि इसी वजह से जो विचार विमर्श है, मंथन चिंतन है, वो एक बार फिर से इन सीटों पर शुरू हो गया है। तो अब इस सब के बीच एक सवाल और है, क्या बीजेपी की लिस्ट में जो देरी है वो किसी बड़े खेल की तरफ इशारा कर रही है क्या? क्या जो ये माना जा रहा था कि करीब 11 या 12 सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह अपने करीबियों के लिए टिकट मांग रहे हैं, उसमें से 5-6 सीटों पर लगभग नाम साफ हो गए थे, फाइनल हो गए थे, लेकिन क्या एक बार फिर से इन सीटों पर भी पेच फंस गया है? और बीजेपी क्या एक बार फिर इन तमाम सीटों के ऊपर जो है वो विचार विमर्श करने में लग गई है, यानी कि
क्या राव साहब के इन करीबियों को टिकट बीजेपी नहीं देने की सोच के साथ आगे बढ़ रही है क्या? क्या वो जो विरोध है राव साहब के करीबियों का वो कुछ ज्यादा हो गया? तो ये तमाम अब सवाल है, क्योंकि राव साहब रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम जिले की अलग अलग सीटों से अपने करीबियों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं और लगातार इसको लेकर जो है वो दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। और अलग अलग जो नाम है उस पर भी बात करेंगे कि वो कौन कौन से नाम है जिनके लगभग से ये माना जा रहा था कि टिकट फाइनल हो गई है, लेकिन अब वहाँ कुछ नए नाम भी सामने आने लगे। तो इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या राव साहब के खिलाफ कोई षड्यंत्र या कोई खेल करने की तैयारी में बीजेपी अब लगी हुई है? क्या बीजेपी के नेता अब उस दिशा में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं? और यही वजह है कि जो लिस्ट है वो अब तक जारी नहीं हुई थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो पहली लिस्ट जारी होगी उस लिस्ट में इन तमाम जो राव साहब के जो करीबी हैं उनके नाम ज़रूर होंगे। तो आपको बता दें कि वो कौन कौन सी सीटें थी, करीब 11 से 12 सीटें हैं जहाँ राव इंदरजीत सिंह अपने करीबियों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। और ये 11 से 12 जो सीटें हैं वो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में हैं। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां राव इंदरजीत सिंह जिन कैंडिडेट्स को बीजेपी उतारना चाहती है उनका विरोध भी जमकर कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें अटेली की, यहां से राव इंदरजीत सिंह की बेटी आरती राव का नाम फाइनल है और शायद यहां इस नाम में कोई गुंजाइश या कोई परेशानी नहीं दिख रही है। लेकिन इसके बाद जो कुछ और दूसरे नाम हैं उनको लेकर कुछ संशय, कुछ परेशानी, कुछ बातचीत जरूर दिख रही है, जिसमें अगर बात करें रेवाड़ी से सुनील मुसेपुरिया, जिसे कि पिछली बार 2019 में जो कि राव इंद्रजीत के करीबी है, बीजेपी ने टिकट दिया था लेकिन खैर वो हार गए थे, उनकी जगह अब मंजू यादव का नाम जो है वो फाइनल माना जा रहा था। लेकिन अब यहां से जो कोसली से मौजूदा विधायक है लक्ष्मण यादव, उनका नाम भी चलना शुरू हो गया। इसके अलावा पटौदी की बात करें, पटौदी से बिमला देवी का नाम फाइनल माना जा रहा है जो कि राव इंद्रजीत सिंह की करीबी है। लेकिन अब इस नाम को लेकर भी कई तरह की चर्चा है कि अब कुछ और नामों पर भी पटौदी से चर्चाएं, बातचीत शुरू हो गई है। गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम विधानसभा से एक नया नाम जो कि राव इंद्रजीत के ही करीब ही है, मनीष मित्तल का शुरू हुआ था, लेकिन यहां पर भी बहुत सारे और नाम हैं जिन पर अब लगातार चर्चा बीजेपी कर रही है। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिसमें से करीब कुछ नाम थे जिनको ये माना जा रहा था कि ये फाइनल हो चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ कुछ नए नाम भी पैनल में शामिल कर दिए गए और इसी को लेकर अब लग रहा है कि शायद यहाँ अभी पेच जो है वो बीजेपी और राव इंद्रजीत सिंह के बीच में फंसा हुआ है। इसके अलावा अगर बावल की बात करें, यहाँ पर डॉक्टर संजय मेहरा जो कि राव इंद्रजीत सिंह के करीबी है, अभी मौजूदा जो विधायक और मंत्री बनवारी लाल, उनकी टिकट काट कर संजय मेहरा के लिए टिकट यहां पर मांग रहे थे, लेकिन बनवारी लाल के नाम पर भी एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। कोसली की बात करें तो कोसली से रवि यादव जो कि राव इंद्रजीत सिंह के ही करीबी है, इनके लिए वो टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहां भी बाकी दूसरी सीटों की तरह दूसरे नामों पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी और कई ऐसे नाम हैं जिनके नाम पर राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी के ऊपर दबाव बना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो ये डिले अब शुरू हुआ है लिस्ट जारी करने को लेकर, और जो अभी तक जो हमने नाम बताए इनमें से कुछ नाम पहली लिस्ट में भी माना जा रहा था कि उन्हें शामिल कर लिया गया है और पहली लिस्ट जब जारी होगी तो उसमें राव इंद्रजीत सिंह के इन समर्थकों के नाम होंगे, लेकिन अभी फिलहाल लिस्ट को डिले किया जा रहा है। तो क्या सबसे बड़ा सवाल यही है कि राव इंद्रजीत सिंह के ये जो तमाम समर्थक हैं इनमें से कुछ के टिकट कट सकते हैं? क्या राव इंद्रजीत सिंह जो 11 से 12 सीट बीजेपी से मांग रहे हैं उसमें बीजेपी एक बड़ी कटौती कर सकती है क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।